अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल बी माइट अलहम्दुलिल्लाह। ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टेक सब्जेक्ट जीके, जो है हमारा जनरल नॉलेज, जिसे हम कहते हैं जीके। ठीक है, सो बच्चों प्लीज़ take your GK textbook and open lesson number 33। आज हम पढ़ेंगे हमारा GK में सबसे last lesson syllabus का, जिसके बाद हमारा syllabus होता है complete। उसके बाद हम हमारा revision start करेंगे और exam की preparation। So, shall we start it? Open page number 38 in your textbook। Open पेज नंबर 38 इन योर टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले तो क्या दिया गया है पेज पे, कुछ फिगर्स दी गई है आपको कंप्यूटर के पार्ट्स की, द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर्स के पार्ट्स की आपको यहाँ पर पिक्चर दी गई है और आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दी हुई है। क्या लिखा है, अब मैं रीड करती हूँ फिलिंग द ब्लैंक्स को। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग लेबल द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो, देन फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले हमें कंप्यूटर के पार्ट्स को लेबल करना है, मतलब यहाँ पर जो पांच फिगर आपको दी गई है ना, उन पांचों फिगर पे आपको उसके नेम लिखने हैं। फर्स्ट लेफ्ट वाला है वो क्या है, जो टीवी जैसा दिखता है, किसे किसे पता है? यस, इट इज़ मॉनिटर, जिस पे हम टाइप करते हैं, जो कुछ भी लिखते हैं वो दिखता है। उसके नीचे वाली जो फिगर है उसमें क्या है, उसमें है माउस, एम ओ यू एस ई, माउस। उसके राइट में जो बटन बटन वाला बोर्ड है उसे हम क्या बोलते हैं, कीबोर्ड, इट इज़ कॉल्ड कीबोर्ड। फिर उसके ही नेक्स्ट में राइट में जो रेक्टेंगल शेप में है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे सीपीयू। सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का ब्रेन होता है सीपीयू। अगर सीपीयू नहीं होगा तो कंप्यूटर नहीं चलेगा। और सीपीयू के ऊपर जो है वो है प्रिंटर, जिसमें हम आपके लिए पेपर्स टाइप करते हैं, जो आपकी बुक्स बनती हैं वो सारी बुक्स और पेपर्स इसी में प्रिंट होते हैं। तो हमें इन पांचों के नाम तो पता हो ही है। अब हम हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करेंगे। नाउ आई एम रीडिंग द फर्स्ट वन ब्लैंक, द डैश शोज वर्ड्स एंड पिक्चर्स। ये चीज़ हमें वर्ड्स और पिक्चर्स दिखाती है। किस पे हम देख सकते हैं वर्ड्स और पिक्चर्स? यस, मॉनिटर, जो टीवी जैसा दिखता है ना, मॉनिटर, लिखिए मॉनिटर, एम ओ एन आई टी ओ आर। सेकेंड वन, वी यूज द डैश टू टाइप इन इंफॉर्मेशन। हम इस चीज़ को यूज करते हैं इंफॉर्मेशन टाइप करने के। इन्फॉर्मेशन तो समझ में आता है, पर टाइप करने के लिए, मतलब उससे आपको कुछ आइडिया मिला कि क्या चीज़ हो सकती है जिसे हम टाइप करते हैं? यस, द की वाला कौन सा था हमारा, द कीबोर्ड। क्या था, द कीबोर्ड। ओके, लिखिए के ई वाई बी ओ ए आर डी, कीबोर्ड। तो थर्ड वन है हमारा, द डैश इज यूज टू कंट्रोल कंप्यूटर फंक्शंस। इस चीज़ को हम यूज करते हैं कंप्यूटर का जो मॉनिटर है उसे सारे फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए। किस चीज़ से हम किसी भी चीज़ को ड्रैग कर सकते हैं मॉनिटर के ऊपर और कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ माउस, नॉट द लिविंग माउस, वो वाला चूहा नहीं जो टॉम एंड जेरी वाला आता है, वो नहीं, कंप्यूटर वाला माउस। तो लिखिए ब्लैंक में एम ओ यू एस ई, एम ओ यू एस ई।
ठीक है, अब मैं कर रही हूँ फोर्थ वन रीड. द डैश इज द मेन यूनिट ऑफ द कंप्यूटर. ये हमारे कंप्यूटर की मेन चीज़ है. जैसे आपको मैंने अभी बताया कौन सी चीज़ मेन थी, मैंने कहा था ये ब्रेन है कंप्यूटर का, इसके बिना कंप्यूटर चल नहीं सकता. यस, सीपीयू. सीपीयू इज द मेन यूनिट ऑफ द कंप्यूटर. तो हमें लिखना है फोर्थ ब्लैंक में सीपीयू. सीपीयू, सीपीयू का फुल फॉर्म किसे किसे पता है बच्चों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ठीक है, अब फिफ्थ वन है द डैश पुट्स वर्ड्स एंड पिक्चर्स फ्रॉम द कंप्यूटर ऑन टू पेपर. कौन सी चीज़ को हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर से पेपर पे सारी चीज़ें लाने के लिए? यस, प्रिंटर. राइट डाउन, तो लिखिए यहाँ पर प्रिंटर का स्पेलिंग PRINTER. प्रिंटर, PRINTER. तो बच्चों यहाँ पर होता ही ये लेसन कंप्लीट हमारा. सो जजाकल्ला व खैर, हम फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए आप ये लर्न कर लीजिएगा और खुदा हाफिज़.